फ्रेंड्स, मैं पिंकी त्यागी आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके साथ अपनी इस वीडियो में अखरोट से होने वाले फ़ायदे बताने जा रही हूँ कि अखरोट से हमारी हेल्थ को कितना ज़्यादा बेनिफिट्स होता है, कितनी सारी बीमारियाँ दूर होती हैं अगर हम अखरोट का सेवन करते हैं। बस हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कब, कितना और कैसे अखरोट को खाना है, तो उससे हम बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स ले सकते हैं। अखरोट एक बहुत ही अच्छा ड्राई फ्रूट है जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। इसमें काफ़ी सारे एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं जिससे ये बहुत ज़्यादा हमारी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल हो जाता है। तो आज मैं आपके साथ इससे होने वाले बेनिफिट्स शेयर करने जा रही हूँ। अखरोट का जो सबसे पहला बेनिफिट है वो है हमारे ब्रेन के लिए, दिमाग के लिए। कहते हैं कि जो भी ड्राई फ्रूट जिस अंग से रिलेट करता है, जिस अंग की शेप के जैसा होता है, वो उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। और अखरोट की शेप हमारे दिमाग की शेप के जैसे होती है, तो अखरोट हमारे दिमाग के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। अगर हम सुबह के समय 3 से 4 गिरी अखरोट की भिगोकर, रात भर उसे भिगोकर रख दें और सुबह उसे साफ पानी से धोकर खाते हैं, तो उससे हमारा माइंड शार्प होता है, मेमोरी जो है, याददाश्त शक्ति है, वो बढ़ती है। तो जो अल्जाइमर के पेशेंट हैं उनके लिए अखरोट खाना बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। और अखरोट को खाने से नर्वस सिस्टम भी अच्छे ढंग से काम करने लगता है। अखरोट खाने का जो नेक्स्ट बेनिफिट है वो है कोलेस्ट्रॉल के लिए। अखरोट खाने से बैड कोलेस्ट्रॉल घटता है और गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। क्यों? सुबह के समय खाली पेट 3 से 4 अखरोट की गिरी इसी तरीके से भिगोकर खानी है, तो उससे जो रक्त वाहिकाओं में जमा हुआ कोलेस्ट्रॉल होता है वो पिघलने लगता है और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में आता है। अखरोट खाने का जो नेक्स्ट बेनिफिट है वो ये है कि इसमें कैलोरीज बहुत ही कम होती हैं, तो इसे वेट लॉस के लिए भी हेल्पफुल माना जाता है। जो स्नैक के टाइम में भारी भरकम चीज़ें खाते हैं जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर या फ्राइड चीज़ें खाते हैं, तो उससे ही वेट बढ़ता है। अगर उस टाइम पर, स्नैक के टाइम पर अखरोट का सेवन किया जाए, 4 से 5 अखरोट खाएं, उस टाइम ड्राई अखरोट खा सकते हैं, तो वो खाते हैं तो उससे पेट काफ़ी टाइम तक भरा हुआ फील होता है और इसमें कैलोरीज कम होने की वजह से वेट भी नहीं बढ़ता है। अखरोट इंसोम्निया के पेशेंट के लिए भी काफ़ी अच्छा माना जाता है, जिन लोगों को नींद ना आने की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अखरोट में मेलाटोनिन होता है जो नींद के लिए अच्छा होता है। अखरोट में पाया जाने वाला एसिड ब्लड के सर्कुलेशन को कंट्रोल करता है और जो स्ट्रेस है उसे दूर करता है, जिससे कि एक अच्छी नींद लाने में अखरोट बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अखरोट का जो नेक्स्ट बेनिफिट है वो ये है कि ये लीवर को क्लीन भी करता है। सुबह के समय 3 से 4 गिरी अखरोट की खाने से जो लीवर है वो डिटॉक्सिफाई होता है, लीवर के टॉक्सिन्स रिमूव होते हैं। अखरोट में काफ़ी अधिक मात्रा में ओमेगा 3 पाया जाता है, जिसके कारण ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को बहुत अच्छे ढंग से काम करने के लिए प्रमोट करता है और दिल से संबंधित बीमारियों को दूर रखता है। अखरोट खाने से बोन्स स्ट्रॉन्ग बनती हैं, इसलिए जो लोग अर्थराइटिस के पेशेंट होते हैं उनके लिए अखरोट खाना बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। अखरोट खाने का जो नेक्स्ट बेनिफिट है वो ये है कि अखरोट खाने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। अमेरिका इंस्टीट्यूट की रिसर्च के अनुसार ये पता चला है कि जो डेली अखरोट खाते हैं उनमें ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा काफ़ी कम हो जाता है, ये कैंसर के खतरे को भी काफ़ी हद तक टालता है। अखरोट का जो नेक्स्ट बेनिफिट है वो ये है कि इसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने में हेल्प करते हैं और शरीर में होने वाली बीमारियों को शुरुआत में ही रोक देते हैं। अखरोट खाने से डायबिटीज़ में भी काफ़ी फ़ायदा मिलता है, इसलिए डायबिटीज़ के पेशेंट को अखरोट खाने की सलाह दी जाती है। अखरोट को अगर सही अमाउंट में ही खाया जाए तभी उसका बेनिफिट मिलता है। इसे 3 से 4 गिरी सुबह के टाइम और 3 से 4 गिरी अखरोट को शाम के टाइम खा सकते हैं। अगर हम अखरोट को इससे ज़्यादा अमाउंट में खाते हैं तो उससे हमारी हेल्थ को बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि स्किन एलर्जी हो सकती है या बहुत ज़्यादा खाने पर घबराहट, बेचैनी जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसलिए अखरोट को सही अमाउंट में ही खाएं और इससे होने वाले बेनिफिट्स का लाभ उठाएं। आपको ये बेनिफिट्स कैसे लगे मुझे कमेंट करके बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें।
सब्सक्राइब करने पर एक घंटी का निशान आएगा, उसे भी ज़रूर दबाएं, जिससे कि मैं जब भी कोई अपना नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।